आज का युग कलयुग और इस कलयुग में विवाद होते ही रहते हैं। आए दिन बदसलूकी और गाली गलौज की खबरें सुनने को मिलती ही रहती हैं। हमारे शो का नाम है क्रिकेज, तो बात क्रिकेटर के विवाद की होगी। एक तरफ जहां सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों को खेल भावना बनाए रखने के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर आए दिन क्रिकेटर्स किसी न किसी कंट्रोवर्सी या स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामले में फंसते रहते हैं और इसकी सज़ा भी उन्हें भुगतनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी क्रिकेटर ने मर्डर किया हो और उसे फांसी की सज़ा हुई हो? हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। क्रिकेज में आज हम बात करेंगे उस वादे की जो हमने आपसे किए थे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेस्ली हिल्टन की डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, वही लेस्ली हिल्टन जिसने अपनी बीवी का मर्डर किया था। अब जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। लेस्ली हिल्टन क्रिकेट के इतिहास के इकलौते ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। वेस्ट इंडीज के इस फास्ट बॉलर ने अपनी बीवी का मर्डर किया था, जिसके बाद 17 मई 1955 को उन्हें जमैका में फांसी दी गई। साल 1934-35 में लेस्ली हिल्टन ने आरईएस वाइट्स इंग्लिशमैन के खिलाफ करियर की पहली टेस्ट सीरीज खेली थी और इस दौरान उन्होंने 13 विकेट चटकाए थे। आखिर क्यों लेस्ली हिल्टन ने अपनी बीवी का मर्डर किया और क्यों उन्हें फांसी दी गई, सारा माजरा समझाएंगे, तहखाने की तह तक जाएंगे, कहानी को निचोड़ कर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। लेस्ली हिल्टन का डेब्यू बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल के मैदान पर हुआ था। उस दिन बारिश की वजह से पिच काफ़ी गीली थी। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और मात्र 102 रन ही बना पाई। इसके जवाब में मैनी मार्टिनडेल और हिल्टन ने 3 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की हालत पतली कर दी। जब इंग्लैंड के 81 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे, तभी इंग्लैंड ने पारी को डिक्लेयर कर दिया। उस दिन वेस्टइंडीज के कप्तान जैकी ग्रांट ने पता नहीं क्या सोचकर हिल्टन को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। हिल्टन ने टिक कर अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 19 रन बनाए, लेकिन तभी बारिश ने फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पिच ज़्यादा गीली होने की वजह से बल्लेबाजी लगभग नामुमकिन हो गई थी। जब वेस्टइंडीज के 6 विकेट पर 51 रन हो चुके थे, तभी विंडीज टीम ने पारी डिक्लेयर कर दी और इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए न्योता दे दिया। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की तरफ से मार्टिनडेल ने 5 विकेट चटकाए, वहीं हिल्टन को भी अच्छा उछाल मिला, लेकिन उनके अंदर अनुभव की कमी साफ दिखी। इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 73 रनों का टारगेट हासिल किया। हालांकि इस सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच वेस्टइंडीज ने जीता और इन दोनों मुकाबलों में हिल्टन ने शानदार गेंदबाजी की। वेस्टइंडीज की तरफ से खेलते हुए हिल्टन ने 6 टेस्ट मैच खेलकर 19 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनका एवरेज 26.12 का रहा। क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अगले महीने लेस्ली हिल्टन को एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की थी जमैका के इंस्पेक्टर की बिटिया लर्लिन रोज। अक्सर हमने देखा है दो प्रेमियों के बीच मुश्किलें आती ही हैं, इस लव लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों के बीच स्टेटस का फासला था, लेकिन आखिरकार इश्क की जीत हुई और दोनों ने 1942 में शादी कर ली और इस शादी से उन्हें 5 साल बाद एक बेटा हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट साल 1954 में आया, जब दोनों के बीच के रिश्ते खराब हो गए। लर्लिन अक्सर अपने ड्रेस मेकिंग बिजनेस का बहाना बनाकर न्यूयॉर्क जाने लगी और इसी साल हिल्टन को मिली एक गुमनाम चिट्ठी, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा था कि उनकी बीवी का नाजायज रिश्ता ब्रुकलिन एवेन्यू में रहने वाले रॉय फ्रांसिस से है। चिट्ठी पढ़ते ही हिल्टन बेचैन हो गए, लेकिन इस बात की भनक उन्होंने किसी को नहीं लगने दी। हिल्टन ने तुरंत अपनी बीवी को टेलीग्राम देकर बुलाया। थोड़ी कहासुनी के बाद लर्लिन लौट आई और वापस आने के बाद उन्होंने किसी भी तरह के नाजायज रिश्ते से मना कर दिया। लर्लिन ने कहा कि फ्रांसिस से उनकी केवल जान पहचान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसके बाद मामला धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ ही दिनों के बाद हिल्टन को वो चिट्ठियाँ मिली जो उनकी बीवी फ्रांसिस को भेजा करती थी। फिर क्या था, हिल्टन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।
रात में ही हिल्टन ने अपनी बीवी को जगाया, जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई। लंबी बहस के बाद लर्लिन ने यह मान लिया कि उनका अफेयर फ्रांसिस के साथ चल रहा है। हिल्टन को लर्लिन ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे अंदर मेरे लेवल की क्लास नहीं है, तुमने मुझे कभी खुश नहीं रखा और तुम्हें देखकर ही मैं बीमार हो जाती हूँ। तब तक हिल्टन गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। उन्होंने खिड़की पर रखी बंदूक को उठाया और 7 गोलियां अपनी बीवी लर्लिन के सीने में दाग दी। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिल्टन ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उनकी वाइफ को गोली लग गई। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया क्योंकि लर्लिन की बॉडी में 7 गोलियां मिली थी। हिल्टन को बचाने की काफ़ी कोशिश की गई थी, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। यहां तक कि विवियन ब्लैक और नोएल नेदरसोल जैसे नामी वकील भी हिल्टन को बचाने में नाकाम रहे। 20 अक्टूबर 1954 को कोर्ट ने उन्हें लर्लिन के मर्डर का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुना दी। हिल्टन की फांसी का दिन तय हुआ था 17 मई 1955, और इसी दिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच केसिंगटन ओवल के मैदान पर ही टेस्ट मैच खेला जा रहा था। वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन होल्ट क्रीज पर स्ट्रगल कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने स्लिप में 2 आसान कैच भी छोड़ दिए। तभी दर्शकों के बीच एक बैनर दिखा जिस पर लिखा था हैंग होल्ट सेव हिल्टन, लेकिन हिल्टन को बचाया नहीं जा सका। क्रिकेट के इतिहास के वो इकलौते ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। वेस्टइंडीज को पहली टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर लेस्ली हिल्टन की जिंदगी एक अपराधी के तौर पर खत्म हुई। दोस्तों, आज के समय में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि खिलाड़ी फिक्सिंग जैसे गलत काम करते हैं और इस खेल की गरिमा को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक खिलाड़ियों के अंदर खेल भावना है तब तक इस खेल की गरिमा बरकरार रहेगी। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अगली बार फिर मिलेंगे क्रिकेट जगत की एक नई दिलचस्प और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।